गाइस बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और खास तौर से यह जो अपडेट है उन सभी ग्राहकों के लिए है जिन ग्राहकों का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। उन सभी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया सर्विस लॉन्च किया है, एक नया फीचर लॉन्च किया है जिस फीचर का प्रयोग आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एईबीएस इनेबल करने के लिए ग्राहक लोग कस्टमर्स लोग जो है कि बैंक में जाकर के लाइन लगाते हैं, इसके बाद उनका एईबीएस इनेबल हो पा रहा है। उनमें से भी कितनों का एईबीएस ही इनेबल नहीं हो पा रहा है। हालांकि आप लोगों को बता दें कि अब एईबीएस के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा धीरे धीरे निकलने लगा है। वो बात अलग है कि हमारे कुछ सीएसपी संचालकों के पास बड़ौदा का एईबीएस काम नहीं कर रहा है, नहीं तो लगभग 4-5 महीनों से बैंक ऑफ बड़ौदा का एईबीएस सुचारू रूप से चल रहा है। और बता दें कि सभी ग्राहकों के खाते से भी एईबीएस इनेबल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर एईबीएस से रिलेटेड आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और खास तौर से यह जो अपडेट है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के लिए है। ठीक है, अगर आप एज ए सीएसपी संचालक देख रहे हैं या फिर एज आप कस्टमर देख रहे हैं जिनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके इसके बारे में। देखिए नॉर्मली बैंक ऑफ बड़ौदा का जिनके पास भी एईबीएस काम कर रहा है, जिनके पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एईबीएस के माध्यम से विड्रॉल हो रहा है, उनके पास सक्सेस रेशियो की बात करें तो सक्सेस रेशियो लगभग 6-7 है, यानी कि 60-70% है। अगर 10 ग्राहक आ रहे हैं विड्रॉल कराने तो उनमें से देखिए 6-7 ग्राहकों का ही विड्रॉल हो रहा है, बाकी 3-4 ग्राहकों का विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जरूरत है सक्सेस रेशियो को सही करने का, फिक्स करने का। अब देखिए आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के जिन 3-4 ग्राहकों का एईबीएस काम नहीं कर रहा है, आपके पास विड्रॉल नहीं हो रहा है, उन सभी ग्राहकों का जरूरी नहीं है कि सस्पेक्टेड फ्रॉड ही आ रहा होगा या फिर कोई अन्य रीजन होगा। मे भी हो सकता है कि उन ग्राहकों का जो पीरियोडिक एईबीएस यानी कि रीकेवाईसी है वो अपडेट नहीं हुआ होगा, कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जिसके वजह से उनका एईबीएस काम नहीं कर रहा है और विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो बता दें कि इसी से रिलेटेड बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया फीचर लॉन्च किया है और यह फीचर आप लोगों को कहां पर देखने के लिए मिलेगा और जिन ग्राहकों के खाते में एईबीएस इनेबल नहीं है या फिर डीबीटी इनेबल नहीं है या फिर एईबीएस और डीबीटी ये दोनों के दोनों इनेबल नहीं है तो उन सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका है कि आप लोग ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से ही ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के इस फीचर को प्रयोग करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ड का यूजर आईडी पासवर्ड होने चाहिए। पर हमारे कई सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर जो है कि फिल्टर हो जाते हैं, छट जाते हैं, क्योंकि कितने भाई लोगों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी वर्ड का मोबाइल बैंकिंग यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है। तो ऐसे केस में आप लोग ऑनलाइन इस फीचर का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, इस फीचर का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो जिन भाई लोगों के पास बीओबी वर्ड का यूजर आईडी पासवर्ड है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोग ऑनलाइन केवाईसी अपडेट करेंगे और अपने खाते में एईबीएस को कैसे इनेबल करेंगे, साथ में डीबीटी को कैसे चालू करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, चलिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। केवाईसी आपका सिंपली आधार ओटीपी के थ्रू होने वाला है और यहां पर आप अपने खाते में एईबीएस को भी इनेबल कर पाएंगे, साथ में डीबीटी को भी चालू कर पाएंगे। तो यहां पर सिंपली आधार ओटीपी के थ्रू सब कुछ काम यहां पर होने वाला है। तो सिंपली आप अपने बीओबी वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, सिंपली मोर वाला जो सेक्शन दिख रहा है यहां पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर मिसलेनियस के ऊपर में ही आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक जो है कि केवाईसी रीकेवाईसी करने का ऑप्शन आया हुआ है। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने यहाँ पर केवाईसी अपडेट करने के लिए दो डिटेल्स मांगा जाता है, पहला आपका अकाउंट नंबर जबकि दूसरा मोबाइल नंबर, कुछ इस तरीके से पेज ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अकाउंट नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, इसके बाद जनरेट ओटीपी पर सिंपली क्लिक करेंगे और बता दें कि यहाँ पर आपका जो है कि जो मोबाइल नंबर है खाते में लिंक है वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में भी लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे और यह 4-5 मिनट के अंदर में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एईबीएस भी इनेबल हो जाता है। ठीक, तो सिंपली चलिए यहां पर दे देते हैं, इसके बाद कैप्चा को फिलअप करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी भी आ चुका है तो सिंपली चलिए ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो मेरे केस में ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा तो सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एईबीएस ऑलरेडी इनेबल है, प्लस यहाँ पर मेरा जो है कि डीबीटी भी चालू है, इसलिए मेरे केस में यहाँ पर आगे का प्रोसीजर नहीं आया। आपने आधार ओटीपी के थ्रू आपका एईबीएस इनेबल करने का ऑप्शन आएगा, प्लस डीबीटी चालू करने का ऑप्शन आएगा और एईबीएस और डीबीटी दोनों चालू करने का ऑप्शन आएगा और एक और ऑप्शन आएगा केवल केवाईसी अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर आगे चल करके आप लोग को टोटल जो है कि 3 ऑप्शन मिलेंगे, इन तीनों तरीक़ों से आप लोग केवाईसी अपडेट अपना कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप अपने खाते में एईबीएस को नहीं भी इनेबल कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।